स्वर्ग नरक के सत्य को आज कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन सत्य को नकारा नहीं जा सकता। अगर जीव की मौत निश्चित है तो भगवान है ये भी निश्चित है, और जब भगवान है यह निश्चित है तो स्वर्ग नरक भी है यह भी निश्चित है। जैसे आँखों को बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, वैसे ही जो नहीं मानता इस बात को, उसके ना मानने से परमेश्वर की अदालत बंद नहीं हो जाती। जिनके कर्मों में सच्चाई है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, जो लोग परमेश्वर को अपने दिल में बसाए हुए हैं, वे लोग इस बात से कभी नहीं घबराते कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा या फिर नरक में, मुझे सजा मिलेगी या फिर जिंदगी मिलेगी। वे लोग यह सोचते हैं कि जो भी मिलेगा मैं उसे हंसते हंसते कबूल कर लूंगा। लेकिन जो लोग सिर्फ गुनाह करना जानते हैं, जिनके दिल में इंसानियत नहीं होती है, वे लोग इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते कि स्वर्ग नरक सत्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्त्री अपने पति के होते हुए भी पराए पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, पति पत्नी के पवित्र रिश्तों पर दाग लगाती है, अपने जिस्म का व्यापार करती है, उसके लिए हमेशा नरक का दरवाजा खुला होता है और उसे नरक की दर्दनाक सजा का सामना करना होता है। जो स्त्री अपने पति की धन दौलत के नशे में चूर हो जाती है और सभी को नीचा दिखाती है, यहाँ तक कि अपने सगे माँ बाप से प्यार करती है लेकिन अपने सास ससुर पर अत्याचार करती है, उनके बूढ़ेपन को मजाक बनाती है, परमात्मा उन्हें भी नहीं बख्शता है। जो पुरुष अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देता है और कुदरत के नियमों का उल्लंघन करता है, उसे मिलती है नरक की दर्दनाक सजा जो रूह को भी कंपित कर देती है। जो पुरुष दौलत को सर्वश्रेष्ठ समझता है, दौलत के नशे में सारी हदें पार कर जाता है, परमेश्वर से जरा भी नहीं डरता है, मजबूर लोगों से, बीमार लोगों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है, उसके मरने के बाद परमेश्वर उसके किए की चुन चुन कर सजा देता है, नरक की दहकती आग में जलाता है, उबलते हुए तेल में डाल देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ नरक की खौफनाक सजाएं गुनाहगारों के लिए। तो चलिए अब चलते हैं स्वर्ग की दुनिया में, खुशियों के शहर में। नेक इरादा जन्नत का वादा। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का प्रचार करता है, परमेश्वर के उपकारों का, परमेश्वर के नियमों का लोगों में प्रचार करता है, लोगों को परमात्मा के घर का रास्ता दिखाता है, उसे मिलता है जन्नत का सुख, स्वर्ग की दुनिया फूलों का शहर जहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है। जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, उनके जख्मों पर मरहम लगाता है, भूखे को खाना खिलाता है, चाहे जितना भी हो सके वह गरीबों की मदद तो करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने सीने से लगाकर रखता है और जन्नत का हक अदा फरमाता है। जो स्त्री अपने पति की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती है, अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती है और अपने बूढ़े सास ससुर को भी अपने सगे माँ बाप की तरह प्यार करती है, उसे परमेश्वर जन्नत का हक अदा फरमाता है और स्वर्ग की दिशा की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति बेजुबान जीव जंतुओं के दर्द को समझते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें चोट नहीं पहुंचाते हैं, वैसे ही ईश्वर भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाता है, अर्थात स्वर्ग की ओर ले जाता है। और जो स्त्री व पुरुष अपने किए पर पश्चाताप करती है, अपने बुरे कार्यों को भुलाकर अच्छे मार्गों पर चलता है, परमात्मा उन्हें हमेशा माफ कर देता है और उनके बुरे कर्मों को भुलाकर उनके अच्छे कर्मों को श्रेष्ठ बताते हुए जन्नत में ले जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हम आपसे एक बात बता दें कि किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को सजा गरीब अमीर या फिर देश विदेश के अनुसार नहीं दी जाती है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार दी जाती है। चाहे वो किसी भी मुल्क का नागरिक क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसे सजा उसके कर्मों के अनुसार ही दी जाती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा की तरह अपना प्यार हमें जरूर दें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।